क्या थे? हर किस्त में ले छो 10,000 पैसा पर बेच लिया। वोट हम थोड़े देते हैं, मियां को आए थे वोट नहीं दिए हम, किसी को नहीं दिया, अभी भी नहीं दिए हैं। आप पैसा के घुस घास पर जीत लिया, बेईमानी कर लिया, इस पूरा पंचायत को मालूम है। यानी आप लोग नल जल से भी बाधित हैं? हाँ, नहीं दिया ना, सुबह शाम पानी नहीं मिलता ना, घर में भी रुपया लिया जाता है। अगर बिहार में आपके साथ हूँ सोनू सिंह, समस्तीपुर जिले के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ, और हसनपुर विधानसभा क्षेत्र का ये शासन पंचायत पर शासन पंचायत का ये कसिया गांव है, वार्ड नंबर 7 का, जो बीते दिन अभी से कुछ दिन पहले जो वीडियो वायरल हुआ था, वार्ड कमिश्नर की नजराना लेने का आरोप था कि बात उसी पंचायत में हम पहुँच चुके हैं और यहाँ से यहाँ के लोगों से जानते हैं क्या ये मामला सही है। लेकिन अभी से कुछ दिन पहले हमारे न्यूज़ चैनल पर भी चलाया गया था कि यहाँ कसिया वार्ड नंबर 7 के वार्ड मेंबर कुछ लोगों से नजराना लेते वीडियो वायरल हुआ था, तो उसी के दरमियान हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इन लोगों से जानते हैं। तो आखिर मैटर मामला क्या था? आप ही के घर में हुआ था? हाँ सर। कब हुआ था ये? ये हो गया 10 दिन। 10 दिन? हाँ। आप जो रुपया दे रहे थे वो आखिर कौन सा रुपया था? वो इसका क्या इंदिरा आवास? हाँ सर, इंदिरा आवास वाले पैसा था, उसमें 10,000 रुपया लिया है। 10,000 रुपया लिया? हाँ सर। आप ही के वार्ड 7 के वार्डर थे? हाँ, क्या हाँ। नाम है उनका? उनका रामचंद्र राम नाम है। रामचंद्र राम जी सर। क्या ये आप ही से लिए थे या और लोगों से ले रहे हैं? और लोगों से ले रहे हैं सर। और लोगों से? हाँ सर। आप कितना दिए थे? हम तो 10,000 दिए पहले किस्त में, और दूसरा हम बोला जो 7,000 रुपया लगेगा, और तीसरा में 5,000, यानी 22,000-23,000 रुपया। एक का इंदिरा आवास सहाय इंदिरा आवास देने में 23,000 रुपया लेते हैं? जी सर, बिल्कुल। आप कितना अभी तक दे चुके हैं? हम 10,000 दे चुके हैं। 10,000 दे चुके हैं जी सर। और भी मांगा गया है। क्या नाम हुआ आपका? हमका सियाराम महतो। कहाँ के रहने वाले हैं? कसिया, वार्ड नंबर 7। देखिए कि एक इंदिरा आवास अगर निकलता है तो वार्ड मेंबर 23,000-22,000 रुपया लेते हैं, और लोग ये पहला किस्त में 10,000, दूसरा किस्त में 7,000, और तीसरा किस्त में 5,000 रुपया लेते हैं, यानी 23,000-22,000 रुपया लेते हैं। और यहाँ के कुछ लोग और भी हैं मेरे साथ, अभी वार्ड सचिव हैं इस वार्ड के, वार्ड नंबर 7 के, इनसे जानते हैं कि आखिर क्या मैटर था, क्या इनका भी ये भी शागिर्द हैं या फिर ये अलग हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुजीत साहू जी। आप भी शागिर्द हैं इसमें? हाँ, हमको भी 10,000 रुपया मांगा गया, मेरा भी पापा के नाम था। वार्डर साहब जो रुपया लेते हैं, आप भी उसमें, आपका भी मिली भगत? नहीं नहीं, हमको जहाँ तक कि उसमें कोई जानकारी ना, हम उसका विरोध करता हूँ। कैसे विरोध करते हैं? विरोध करता हूँ कि जैसे गरीब लोग को लूटा जा रहा है यहाँ, उसका हक छीना जा रहा है, जो रुपया यानी 10,000 फर्स्ट किस्त में नहीं देते हैं, उसका आवास का लाभ नहीं दिया जाता है यहाँ से, जबकि लोगों को ब्लॉक वीडियो साहब तक की शिकायत होती है, लेकिन यहाँ वीडियो साहब कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। वीडियो साहब भी मिली भगत हैं उसमें, उनका भी वो भी सम्मिलित है? हाँ, सम्मिलित हैं। हम लोग पब्लिक पिटीशन भी लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई वहाँ से होता ही नहीं। आप कब पब्लिक पिटीशन लगवाए थे? पब्लिक पिटीशन लगाए हुए हैं मेरे पास, बताए हैं आपको। मीटर है? हमारा घर नहीं दिया है, पानी टोटी नहीं दिया। अच्छा, पानी भी नहीं चलता है? ना, टोटिए नहीं लगाया वहाँ, मुखिया का साला जो हम नहीं लगाएंगे 50 फीट पर आप कहते हैं तो वहाँ जाएंगे गाड़ने के लिए, तो तुम सड़क पर गाड़ेगा साला, गांव बर्बाद कर दिया, पक्की तोड़ के सड़क पर गाड़ के लोग को, देखिए ना खेत कहाँ खेचा है, रोड टूट गया है सब तमाम। अच्छा मुखिया जी, इस बार ग्राम रोड नहीं बनवाए कहीं? बनवाए कहाँ मुखिया, कुछ नहीं ना, कहाँ बनाए? क्या साल से मुखिया है आपके? मुखिया तो ये 5 वर्ष में तो है ना। हाँ, तो आप लोग वोट मतदान किस लिए, उनको वोट किस लिए दिए? घूस पर पैसा पर बेच लिया, वोट हम थोड़े देते हैं, मियां को आए थे वोट नहीं दिए हम, किसी को नहीं दिया, अभी भी नहीं दिए हैं। तो पैसा के घुस घास पर जीत लिया, बेईमानी कर लिया, इस पूरा पंचायत को मालूम है। यानी आप लोग नल जल से भी बाधित हैं? हाँ, नहीं दिया ना, सुबह शाम पानी नहीं मिलता ना,
घर में भी रुपया लिया जाता है? हाँ, घर में रुपया लेता है। रुपया नहीं दिया जो 20,000 रुपया दीजिए तब घर देंगे। रुपया नहीं दिया तो घर नहीं दिया हमारा चार बापूत को। अच्छा। घरे नहीं दिया। हाँ, सबका नाम है। और एक एक हमारा प्रयाग महतो इसी वार्ड से है। हाँ, कितना नंबर वार्ड है आपका? 7 नंबर। आपका क्या पान तनखाए हुए हैं क्या? हमको घर मिला है। अच्छा। बीमारी 10,000 रुपया पहले लिया है, उसके बाद फिर 5,000 रुपया दो किस्त में और 3 किस्त मिलता है। तो एक पहला किस्त में 10,000 रुपया, पिछला में 5,000, फिर 5,000। चलिए हम सामने में कहेंगे। कितना आप अभी तक दे चुके हैं? 3 किस्त हमको हो गया। कितना रुपया मिला? 40-40 मिला दो बार में, 20,000 रुपया दिए हम। अच्छा, आप खुशी से दिए या दुखी से दिए? सुखी से कैसे, जब आप कर रहे हैं जो नहीं दीजिएगा तो नहीं होगा। दुख में दिए। हाँ, क्या आप करते हैं इसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? हम समर्थन क्या कर, जो कहा किए हम लोग दिए हैं। हम वो फोटो खींचने वाली जो तो आती है उसको सामने भी दिए हैं। अच्छा। सरकार का इसमें रुपया लेने में समर्थन है या फिर विरोध है कि रुपया और ले या फिर रुपया ना ले वो और लोगों से? बात रही है, सरकार जब दे रही है यहाँ अधिकार उसको क्या अधिकार है? है, क्या नाम हो आपका? रामवर्धन यादव। देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि रुपया लेने का मैं फुल विरोध करता हूँ, लेकिन सरकार का ऐसा तो गाइडेंस तो नहीं है कि वो रुपया लें तभी किन्हीं को घर दें या जो भी लाभ है उस लाभ उस लाभुक तक पहुँचे। सरकार का तो ऐसी कोई कदम नहीं है, लेकिन ये अगर ले रहे हैं तो घोर न्याय कर रहे हैं, तो घोर अन्याय कर रहे हैं। तो एक वीडियो साहब का अवगत कराए थे। अच्छा। जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत धांधली की बात कहा गया था, लेकिन अभी तक कोई जांच कार्रवाई नहीं हुई है उनके द्वारा। उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया था आपको? कुछ बोला उनको द्वारा, बोला गया कि आप पिटीशन दीजिए, हम जांच करवा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई जांच हुआ नहीं। क्या आप ही के वार्ड में नजराना लिया जाता है कि पूरे पंचायत में लिया जाता है? पूरे पंचायत की बात हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैं अपना वार्ड की बात कह सकता हूँ। यानी हर एक घर पे रुपया लिया जाता है? जी, हर एक घर में लिया जाता है। और जो लाभुक मतलब नहीं दे पाते हैं, गरीबी के कारण हो चाहे जो भी कारण हो, उसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर आए भी हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजीत साहू। सुजीत साहू, देखिए कि वार्ड सचिव हैं ये और बता रहे हैं कि पूरे पंचायत का नहीं बल्कि हम अपने वार्ड का बता सकते हैं, लेकिन हमारे वार्ड में जितने भी लाभुक लोग हैं सभी से नजराना लिया जाता है, तभी उनको घर दिया जाता है या शौचालय दिया जाता है। कोई भी अगर सरकार के द्वारा कोई भी लाभ लाभुकों तक पहुंचने में नजराना लिया जाता है यहाँ के वार्ड मेंबर या यहाँ के ग्राम प्रधान या ऊपर तक सभी लोग इसमें मिली भगत हैं, सभी मिल करके इसको खाते हैं और तब लाभुक तक लाभ पहुंचता है। तो कुछ लोग लाभुक मेरे साथ थे, इस वार्ड नंबर 7 के हैं, इन लोगों से जानते हैं कि क्या इन लोगों से भी लिया जाता है। क्या नाम हुआ आप लोग का? राम यतन यादव। आप भी देते हैं रुपया? नहीं, हम पैसे मांगे थे लेकिन बोले हमारे पास पैसे नहीं, हमने लिए। तो आपका घर मिला? नहीं, घर कहाँ मिलेगा, पैसे देंगे जब तो मिलेगा, नहीं लिया। आप रुपया नहीं तो घर नहीं मिला? नहीं मिला। कितना रुपये का रिमांड हुआ था? रिमांड 10,000 बोला था। अच्छा, तो 10,000 खाएंगे, पहले खाएंगे कि हम 10,000 रुपये देंगे उसको? अच्छा, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने लिया। कौन थी वार्ड का मामला है? वार्ड 7 का है। देखिए कि कुछ लाभुक हैं, इनसे नजराना मांगा गया था, लेकिन ये कुछ गरीबी के कारण नजराना नहीं दे पाए, जिसके कारण इन्हें लाभ से वंचित रखा गया। कुछ लोग और हैं, क्या आप लोगों से भी नजराना लिया जाता है? आप नहीं देते हैं? आप भी रुपया दिए थे? दिए थे हम भी। आप भी दिए थे? कितना दिए थे? हम तो दिया 15,000 रुपया। 15? कितना घर मिला आपको? घर कहाँ मिला है, एक तो घर मिला है। एक तो घर मिला है 15,000 में? हाँ। घर बनाए आप? हाँ। किनको दिए थे? वार्ड को। वार्डर साहब, क्या नाम है वार्डर साहब? रामचंद्र राम। कुछ लाभुक थे जो लाभुक बता रहे हैं कि हम 15,000 दिए हैं, कुछ बता रहे हैं 22-23,000 रुपया दिए हैं, कुछ बता रहे हैं कि हम रुपया नहीं दिए तो हमें लाभ नहीं मिला, लाभ से वंचित रखा गया। क्या नाम हुआ आप लोग का? आप लोग भी देते हैं रुपया?
कितना दिए थे? हमें अखन बने लिए नहीं माँ है। अच्छा, आप नहीं दिए। आप लोग? मैं तो लिए 10,000 रुपये। 10,000 रुपये। हाँ। क्या नाम हुआ? अनीता देवी। अनीता देवी। हाँ। मिला? मिल पहला किस्त मिल रहे 40,000 रुपये। 10,000 रुपये दिए तब? हाँ, पिछला किस्त में बाकी है, मांगा है 7,000 रुपये। अच्छा, वो कब मिला था रुपया? कब दिए थे आप रुपया? सबसे पहले घर नहीं आया तभी मिला। 10,000 रुपये दिए तब 40,000 रुपया आया। हाँ, तब फिर 7,000 मांगे है, अभी खिड़की तोड़ी पूरा दिया है, नहीं दिया है, नहीं मिला है। क्या नाम हुआ आपका? अनीता देवी। क्योंकि ये बता रहे हैं कि पहले 10,000 रुपया दिए थे, तब 40,000 रुपया आया था, फिर से 7,000 रुपया मांगा जा रहा है, तब और रुपया मेरा आएगा। ऐसी देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ के ग्राम प्रधान जो सत्तार अंसारी हैं इस पंचायत के, उनको भी मैं कॉल करके सूचित करने का काम किया, उनको बुलाया, लेकिन वो यहाँ आने से इनकार कर गए। यहाँ के जो वार्डर थे उनको भी मैंने निशाना साधा, उनसे बात करने का, लेकिन वो बात कर नहीं पाए और स्विच अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए और यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, क्योंकि उनसे हम जानते कि आखिर क्या मामला था, आपके किस चीज़ का रुपया ले रहे हैं। तो आप क्या, आप लोग का डिमांड क्या है, मांग क्या है? मांग यही है प्रशासन के, इस मतलब जो यहाँ धांधली चल रहा है, हर एक योजना में धांधली है, इनके प्रधानमंत्री आवास नहीं, हर एक योजना, चाहे सरकार के द्वारा जो भी योजना चलाई जाती है, सभी हर एक योजना में धांधली है। हम तो इतना ही, इस आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार सरकार मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार और आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहती हूँ कि इस मामला के देखते हुए इस पर सख्त सख्त कार्रवाई करें, ताकि आपके द्वारा जो चलाई गई योजना है उसको गरीबों को और आम जनता को लाभ मिल सके। देखिए कि कुछ लोग और हैं, उन लोगों से हम जानते हैं कि उन लोगों का डिमांड आखिर क्या है, मांग क्या है, क्या मांग करते हैं आप लोग गवर्नमेंट से? हम लोग तो मांगते हैं जो मतलब एक कहीं से सुराख नहीं मिलना चाहिए, जो मतलब ये जहाँ से लोग रुपया ले लेते हैं घूस में, इसको मिटाया जाए। इसको मिटाया जाए। हाँ सर। कैसे मिटाएगा, आप लोग के मिली भगत से या फिर उनके अथी से? हम तो चाहते हैं जो मिली भगत नहीं होना चाहिए। मिली भगत नहीं होना चाहिए। हाँ सर। आप लोग कैसे रुपये दे देते हैं, जबरदस्ती या फिर अपने मन से? जबरदस्ती मांगते हैं सर, जबरदस्ती बताइए। देखिए ऐसे ऐसे मामला आ रही है सामने की जबरदस्ती जबरन मांगा जाता है रुपया, कि अगर आप रुपया नहीं दीजिएगा तो आपको घर से वंचित रखा जाएगा। इन लोगों का डिमांड है, आखिर मांग है, सरकार इस पर कड़ी से कड़ी कदम उठाए और प्रशासन का भी इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और यहाँ के जो ग्राम प्रधान है इसी वार्ड की नहीं बल्कि पूरे ग्राम में, पूरे पंचायत में नजराना का आरोप लग रहा है। पूरे पंचायत में जब तक नजराना नहीं मिलेगा तब तक लाभ से वंचित रखा जाएगा। आखिर हो तो इंदिरा आवास हो, शौचालय हो, आखिर जो भी सरकार का लाभ हो, सभी लाभों से यहाँ के लोगों को वंचित रखा जाता है। बिहार के लिए समस्तीपुर हसनपुर से सोनू सिंह की रिपोर्ट।